तो गाइस लॉबी के अंदर मुझे दिखता है मेरा फेवरेट आउटफिट। बंदे को बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, बंदा एन मौके पे लास्ट सेकंड पर आउटफिट देता है, लेकिन आगे जाके जो सीन होता है बस देखते जाओ। तो भाई यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला जो निम्बू आइसलैंड जो भी है वहाँ पर आया था, और ये मेरा लोकेशन है भाई, इसके अंदर घुस जाओ थोड़ा सा आप सेफ रहते हो। और लेकिन दिक्कत एक हो जाती है, कई बार यहाँ पर गन नहीं मिलती, इस बार मिल गई। बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, देन लोकेशन चेंज करके मारता हूँ। ये बंदा तो यहाँ पर मर गया बड़े आराम से। थोड़ी सी लूट करते हैं, और तभी आगे दिखता है एक और बंदा। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों खड़ा था, शायद इसका नेट गया होगा, और जितना मुझे लगता है यहाँ पर बॉट तो आते नहीं भाई, रियल बंदा ही था वो। अब ये भाई साहब ऊपर कैंप क्यों कर रहे थे इस तरीके से, मुझे समझ नहीं आया भाई। इससे अच्छा तो भाई तुम गन लो, उठाओ, मरो, चलेगा, लेकिन फाइट लेके मरो ना यार, बिना फाइट के मरोगे तो सही नहीं लगता है वो चीज़। अब यहाँ पर मैं बहुत गलत फंस चुका था, मेरे राइट में भी बंदा था और ऊपर साइड भी बंदा था, और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। बंदा ड्रॉप शॉट ले लेता है, वरना शायद हो सकता था कि अपन इसको इजीली मार देते। आगे स्क्वाड हाउस के ऊपर जाने वाला था, लेकिन बॉट ने भाई मेरी जान बचा ली, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा था जिसके पास अच्छी खासी लूट होगी शायद, क्योंकि भाई वहाँ पर उतरा है तो लूट तो होगी। उसने बॉट को मारा भाई, ये चीज़ देखते हुए मैं वहीं से बग्गी लेके उठा के भाई बिल्कुल निकल लेता हूँ पहली फुर्सत में। मानो अगर वहाँ पर वो बॉट नहीं आता और वो बंदा फायर नहीं करता, सीधा मैं उसके मुंह पे जाके लैंड करता, और अगर मर जाते तो भाई गंदी माइनस पड़ सकती थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घुमा फिरा कर यहाँ पर आते हैं ब्लू वाले के ऊपर, ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद भाई मिलता है मुझे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई, बस हैमर चाहिए अपने को, बस हैमर, हैमर इज़ द बेस्ट। लेकिन भाई यहाँ पर हैमर नहीं मिलता है, मुझे लगा कि मैं एक भी किल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आराम से एक किल हो जाता है, लेकिन अब भाई दो दो तीन तीन बंदे मेरे ऊपर चढ़ चुके थे, किल्स का कोई काम ही नहीं था। वहां से भागता हूं तो अगेन दो बंदे आ जाते हैं, और ये गेंडा अलग से आ जाता है भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने किल्स हुए उतने में खुश होना चाहिए, चार किल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के और हो जाएंगे, यही चीज सोच के बग्गी पे कूदता हूँ, घरों पे आता हूँ, लूटता हूँ, आगे देखता हूँ कि यूएस खड़ी है, उस यूएस को उठाता हूँ। और ये वाली स्किन हमें भाई बिल्कुल फ्री में मिली थी, आप में से बहुत सारे बंदों को पता होगा, काफ़ी सही लगती है, रेवल स्किन भी काफ़ी ओपी लगती है मुझे, बढ़िया है। अब मुझे पकड़नी थी एक अच्छी सी लोकेशन, जो कि था भाई ये जो दो घर है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी तक कोई गया नहीं था, और यहाँ पर होता भी तो मैं फ़ाइट लेने के लिए रेडी था कि अगर भाई यहाँ पर कोई होगा तो मैं फ़ाइट ले लूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे पास जो एक रोज़ा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फ़ाइट लेने के लिए। अब अगर ये बंदा थोड़ा ओवर ओपन में रहता है, फिर मैं हाइट के एडवांटेज में रहता है, फिर यहाँ पर चढ़ चुका होता पहले ही, और फिर मुझे एंकर मिलता तो शायद अपन इस बंदे को मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर देखो क्या सीन होता है, अब मुझे समझ नहीं आया उसने स्मोक के अंदर से कैसे मारा, शायद अंदाजा लेके मारा होगा जो भी सीन है। लेकिन यार मैंने देखा गाड़ी पे स्मोक हुआ है, तो मैंने लेफ्ट राइट में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, और उस हिसाब से मैं फायर कर दिया, तो भाई गलत ही सीन हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं राइट की जगह पे लेफ्ट में फायर करता तो वो बंदा इजीली मर जाता। अब यहाँ पर सीन ये था कि जोन मेरे पास नहीं था, मुझे जोन में शिफ्ट करना था, और दिक्कत ये थी कि पूरा ओपन जोन था, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं कि बंदों ने कवर करके नहीं रखी है, पाँच ही बंदे बचे। लेकिन देखो अभी क्या सीन होता है, जिस तरीके से मैंने जोन पकड़ा है उस चीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब चाहिए, जितने भी बंदे नए देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर दो। ये देखो, अरे भाई क्या ही जोन निकाला भाई, ऐसी पकड़ो भाई पोजीशन, जोन की पोजीशन ऐसी पकड़ो, क्या मक्खन निकाला भाई इसको। अरे भाई अगर ये बंदा नहीं मार पाता मैं तो भाई जोन निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मैं आगे मार्क करता हूँ, देखता हूँ कितना मीटर है, और जोन को ओपन करके ये अपना मैप ओपन करके देखता हूँ कितना मीटर है, तो परफेक्ट बेस्ट पोजीशन है वो पकड़ने के लिए। गाड़ी देखता हूँ तो ये तो डैमेज थी, लेकिन आगे जो बग्गी है वो काफ़ी बिल्कुल ताज़ी थी, बिल्कुल बिना डैमेज की थी, तो बस उसको उठाते और पत्थर पे चले जाते, क्योंकि लोकेशन बहुत जहर थी, बहुत ओपी लोकेशन थी।
और कितना भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना हो प्रीफर करना कि आप व्हीकल यूज़ करो। भाई काफ़ी शातिर बंदा था, लेकिन मुझे एक सवाल आया कि भाई अब अगर सामने बंदा एक है मैं एक हूँ तो लास्ट बंदा किधर है। तो एक ही लोकेशन थी जो कि जोन में थी जहाँ पर बंदा हो सकता है, तो ये वाला पत्थर। लेकिन मैं वहाँ पर ग्रेनेड किया तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि वहाँ पर बंदा नहीं है, मतलब जो लास्ट वाला बंदा बचा है हम दोनों को छोड़ के तो वो पत्थर पर नहीं है, क्योंकि मैंने पत्थर पर ग्रेनेड किया और पत्थर के पीछे ग्रेनेड किया तो वहाँ पर वो बंदा नहीं है। भाई यहाँ पर मैं बाल बाल बचता हूँ, वरना मेरा बाल भी नहीं बचता यार। क्या ही कैंप कर रहा था ये बंदा, लेकिन ग्रेनेड से डैमेज ज़रूर हुआ था। शील्ड करता हूँ और यहाँ पर ग्रेनेड करने की कोशिश नहीं सॉरी मैं ग्रेनेड मंगाता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ेगी आगे, तभी बंदा गलती कर देता है। अब इस बंदे की गलती बताता हूँ, इसने इसकी पूरी शील्ड पहले ही वेस्ट कर दी थी जहाँ ज़रूरत नहीं थी। ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले मैच के अंदर भाई आपने देखा कि कल क्या सीन होता है, लेकिन उससे पहले कितने तगड़े तगड़े सीन होते हैं वो देखो। मुक्के मार रहा भाई बंदा दूर से, ओ भाई भाई यहां पर कैसा बचाओ ना, सिर्फ मेरे को पता भाई, गलत ही तरीके से बचाओ। लेकिन यहाँ पर हेल्थ भी नहीं थी और लेफ्ट साइड से बंदा आ जाता है और कोई चांस नहीं था बचने का। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आता हूँ और यूएस पे कूद जाता हूँ। और गाइज आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये भाई अलग ही तरीके के नशे चलते हैं भाई मेरे साथ। भाई मुझे नहीं पता मेरे ज़िंदगी में दिक्कत नहीं, दिक्कत में ज़िंदगी क्यों होती भाई हर बार। चलो ठीक है, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो बता देता हूँ कि आपके साथ भी होता होगा, जब आप ऊपर से मरते हो तो नीचे आते हो ना, तो याद रखना कि आपके साथ कोई और नहीं आ रहा है। क्योंकि आप बहुत सारे जगह पर मैं देखा है ऐसी चीज़ हो रही है, मेरे साथ भी हुई बहुत बार कि आप ऊपर से जहाँ पर भी कूदते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ आपको ही ड्रॉप किया है उस लोकेशन पे। ऐसा नहीं है भाई, चिपक के बिल्कुल एक और बंदा या फिर एक दो बंदे भी आपके साथ ड्रॉप हो सकते हैं। तो याद रखना, क्योंकि मैं एक गाड़ी पर गया उसी गाड़ी पर दूसरा बंदा आया पैराशूट से, तो भाई स्कैम हो गया मेरे साथ। और यार ये आउटफिट क्या लग रहा है यार, इस आउटफिट के लिए ये वाला नहीं यार अभी जो था, मतलब बहुत पसंद आया यार। आप में से कितने लोगों का वो फेवरेट आउटफिट है मुझे बताना भाई, मेरा तो फेवरेट आउटफिट है। और वो अगर आउटफिट आता है यूसी में परचेस करने के लिए भाई, जितने भी चाहे यूसी लगे 10,000 20,000 भाई मैं आउटफिट ले लूँगा और परमानेंट कर दूंगा यार, बहुत जहर है यार। अब ये कोई यूट्यूबर भाई साहब थे, वाइटी लगा के रखा था अपने पीछे, मतलब नाम के पीछे भाई, तो उनको मार देते हैं। और अलग एक और भाई, मतलब सोलो की लॉबी में, रैंक पुशिंग लॉबी में, सोलो या फिर जो भी आप जाओ, हर एक बंदा आपको यूट्यूबर मिलेगा उसके नाम में वाइटी लगा होता है। जो मैंने आपको सीन बोला वो सीन देखो, मेरे साथ एक और बंदा ड्रॉप हुआ जो कि पैराशूट से मेरे साथ ही ऊपर से आया, और इस बंदे को जो मारा है वो बस देखते जाओ कि इसको किस तरीके से मारा है। पहले तो भाई अभी नीचे चला गया, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ गया ये पोजीशन रिवील नहीं करता है, जल्दी कैंप करता है बहुत गंदे तरीके से। तो पहले मैं सोच रहा था कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। नीचे नीचे आता हूँ और गैलरी का दरवाज़ा सबसे पहले बंद करता हूँ। कांच फोड़ दी तो मुझे लगा पोजीशन रिवील करेगा, और उसने रिवील कर दी पोजीशन, कन्फर्म हो गया कि वो पैनिक रूम के अंदर ही है। एक मौली कर देता हूँ, थोड़ी सी गोलियां लगा देता हूँ, बिल्कुल चिपका देता हूँ, बंदा ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। आगे आता हूँ तभी पीछे से आवाज़ आती है गाड़ी की, आराम से इसको फिनिश कर देता हूँ। इसको कनेक्ट तो काफ़ी सही हुए थे, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कल वाले गेम प्ले के अंदर देखना कि हैकर की तरह बंदों को मैंने हेड मारे भाई चलती गाड़ी से, बस देखना मजा आ जाए आपको कल। अब मेरी गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहा था अभी जो बग्गी वाला गया वही बंदा, तो बस अपनी गाड़ी यहाँ से निकालते हैं क्योंकि जोन अपने पास नहीं है, और भाई सिर्फ यही गाड़ी है अपने पास जोन में जाने के लिए, और कोई गाड़ी नहीं। और बहुत ज़्यादा रिस्की होती है गाइज, बाइक और 3 सीटर बहुत ज़्यादा रिस्की है,
जितना पॉसिबल हो सके यूवेज या फिर डासिया ही ट्राई करना, और बहुत तगड़ी रिस्क लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ ये ओपन बाइक लेकर। इमेजिन कि मैं इतने दूर से आ रहा हूँ और घर के ऊपर बंदा होता भाई, इजी उतारता मेरे को बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं था इसलिए मैं बच गया। मतलब इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी। आगे देख रहा था कहाँ कहाँ बंदे, तभी पीछे से आवाज़ आती है, मतलब कि बंदा आ रहा है, इसे आवाज़ आती है, समझ गया बंदा कहाँ पर है। मौली करता उसको, मौली लग भी जाती है, उसने ग्रेनेड किया तो मैं ऐसी जगह पर चला जाता हूँ जहाँ पर ग्रेनेड से कुछ नहीं होगा। तभी बंदा मेरे घर के अंदर पुश कर देता है, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि अगर वो हीलिंग लगाता है तो मैं पुश करूँगा, और बंदा हीलिंग लगाता है, लेकिन मैं पुश करने तक उसने हीलिंग लगा ली थी। पता चलता है इन भाई साहब के पास भी ग्रोजा है, मैं रुकता नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर मैंने इस बंदे को टाइम दिया होता तो इसने मेरा टाइम ख़त्म कर दिया होता, बिल्कुल लॉबी पहुंचा दिया होता, तो इसलिए मैं इस बंदे को टाइम नहीं देता हूँ बिल्कुल भी हील करने का, या किसी भी चीज़ का टाइम नहीं देता हूँ। किसका दिमाग शांत हो कि फ़ाइट कैसे लेनी, अब बिल्कुल इसको पैनिक करके छोड़ता हूँ, ये भागते रहता है, इसको पीछे से मार देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो लोकेशन पकड़नी थी वो मैंने देख ली, आराम से उस लोकेशन पर जाएंगे और बंदे को मार देंगे अगर बंदा होगा तो, या फिर मर जाएगी जो भी करेंगे। लेकिन जो सीन होता है वो तो आपने कल देख लिया, लेकिन वापस एक बार देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। और मेरी गलती में फाइंड आउट किया तो मेरी गलती ये थी मेरे भाई कि मुझे यहाँ पर मौली नहीं करनी थी, यहाँ पर मुझे ग्रेनेड करना था। लेकिन बात वही हो गई ना यार कि मैंने ग्रोजा से बंदा मार दिया और जब देखा कि एक और बंदा है तो मैं थोड़ा मतलब भाई ब्लाइंड हो गया भाई कि इतने छोटे से इसके अंदर भाई दो दो बंदे बैठे हैं और मेरे को हर जगह से पड़ रही थी। तो इस वजह से अगर शांत दिमाग से मैं सोचता, शांत दिमाग होता, बिल्कुल कहीं से पड़ नहीं रही होती तो मैं आराम से इसको मार सकता था, लेकिन भाई मेरे को हर जगह से पड़ रही थी। भाई एक मौली से बच गया, दूसरी मौली करता हूँ। और एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि कोने में मौली नहीं लगती है, तो ऐसा कुछ हो तो कमेंट करके बताना। बाकी इन भाई साहब ने हमको मार दिया, जैसे कि हमने बोला था कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। सब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं पता यार, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ मेरे भाइयों।